स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में, यानी यूपी ब्लॉगर आराध्या के। तो उस दिन हमने खरीदारी की थी ना, तो चलो आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया है। मैं सिर्फ जो है अपने बच्चों के लिए और सासू माँ के लिए ही लिया है, अपने लिए कुछ नहीं लिया है। मैं तो अपने लिए हमेशा शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए और सासू माँ के लिए नहीं करती हूँ। तो फाइनली आज जो है मैंने अपने सासू माँ के लिए और अपने बच्चों के लिए किया हुआ है, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप मिस कर दोगे तो देखोगे कैसे कि आपकी जो प्यारी सी जाह्नवी हैं और प्यारे से जो अभय हैं उनके लिए भाभी ने क्या लिया है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और मिस बिल्कुल मत करना। से पहले चलो मैं आप लोग के साथ एक रिव्यू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे ना भाभी आप स्किन केयर जो है हम लोग के साथ शेयर कीजिए, तो फाइनली आज जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप अपने लिए मंगवा लेना, तो क्योंकि इस समय जो है वाव पे ऑफर चल रहे हैं, आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ फेस वॉश। चलो देखो ट्राइपॉड में यहाँ पे रख दूँ, थोड़ा सा पीछे करूँगी ना तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अरे यार फेस वॉश कहाँ गया? ये है फेस वॉश, मैंने अमेजन से मंगवाया है अपनी सारी प्रोडक्ट वॉ के। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ, नहीं तो इसका जो नाम है ना आप लोग को दिखाई नहीं देगा क्लीन, देख लो एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यह वाव स्किन साइंस का ग्रीन टी फोमिंग फेस वॉश, जो कि काफ़ी अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, आप लोग देख ही रहे हो। इसमें आपको एक छोटा सा ब्रश मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप फेस वॉश आसानी से लगा सकते हो। ये आप लोग देख सकते हो इसमें जो है विटामिन बी पाया जाता है, और अगर आपके फेस पे जो है धूल मिट्टी वगैरह जमी रहती है तो ये जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को ये फेस वॉश पसंद आया हो तो इन सब का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक करके मंगवा लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं जब भी आप प्रोडक्ट मंगवाना तो QR कोड ज़रूर यूज करना, तभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और तो गाइस जो हमने टोनर यूज किया था रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल स्किन मिस्ट टोनर, तो वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, तो चलो फिर से हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों टोनर लगाना सभी को आता है, आपको इसे स्प्रे की तरह लगाना है, फिर उसके बाद अपनी हथेलियों से थपथपाना है। और अगर आपके फेस पे जो है मुहासे का प्रॉब्लम है तो इस टोनर को लगाने से आपके मुहासे जो है जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें जो है विटामिन ABC पाया जाता है, तो ये टोनर आपके लिए परफेक्ट है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है सीरम की, तो यह वाव स्किन साइंस का कैफीन फेस सीरम जो कि गुड क्वालिटी का है, आप इसे जो है मॉइस्चराइजर क्रीम के पहले लगा सकते हो, और दिन में आपको दो बार लगाना है, और 3-4 बूंद लेके अपने हाथों पे अपने चेहरे पे थपथपाना है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों वाव के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें नो केमिकल, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, ऐसी कोई केमिकल नहीं है जिसे लगाने से आपके फेस पे हानि पहुंचाए। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है
क्रीम की, तो यह वाव स्किन साइंस का डे फेस क्रीम SPF 20 जो कि गुड क्वालिटी का है। इसके साथ आप टोनर मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो और इसमें जो है विटामिन बी पाया जाता है। और क्रीम लगाना तो सभी को आता है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको थोड़ा सा क्रीम लेना है और हाथों से अपने फेस पे लगाना है कुछ इस तरीके से। और वाओ ने एक एप्लीकेशन जारी किया है जिससे आप स्किन करते हो तो थियोंटी का पता चलता है, साथ साथ आपको एक रिबोट पाउंड भी मिलते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो और पा सकते हो अच्छा खासा डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये देखो दोस्तों, ग्लो आए नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा ना अगर हम ज़्यादा बातें करेंगे। चलो फटाफट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि अपने बच्चों के लिए और सासू माँ के लिए क्या क्या लिया है, ठीक है? चलिए आप लोग भी देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए फटाफट हम आप लोग के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो हमने अपने बच्चों के लिए लिया है। लिया तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन जो हमारे जानवी है ना, सारा खराब कर दी कपड़े। मम्मा ये पहनूंगी, मम्मा ये पहनूंगी, मैंने कहा कि अभी लेने तो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जिद करने लगी और रोने लगी कि नहीं मम्मा मुझे पहनना है तो पहनना है। तो मैंने उन्हें पहना दिया, तो वो दिखाने लायक नहीं, वो खराब कर दी। आपको पता है कि बच्चे लोग कैसे करते हैं, अगर वो अपनी जिद पे अड़ जाते हैं तो उनको जो है पूरा करना ही पड़ता है। तो चलो हम सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक जींस का पैंट लिया था, ये आप लोग देख सकते हो, पिंक कलर में, हल्का सा कलर है इसका, गुलाबी है नहीं। ये देखो इसका जो कॉटन का जींस है, ये आप लोग देख सकते हो, कॉटन का पैंट भी बोल सकते हो, कॉटन कॉटन हमेशा कॉटन कहते हैं ना, पता नहीं क्यों यार, हमेशा मेरे दिमाग में ही कॉटन कॉटन चलता रहता। तो ये देखो एक कॉटन का जो है जींस है, एक मैंने अभय के लिए लिया है, और इसके बाद मैंने जानवी के लिए जो है हाफ लोअर लिया था। ये देखो मुड़ा हुआ है, तो इसको सीधा कर दे, ऐसे रखे काफी दिन हो गए ना, नहीं यार काफी दिन नहीं, इसकी डिजाइन ही ऐसी है, मैं तो सोची सिकुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी डिजाइन ही ऐसी है। ए, इसको ऐसे रुको बना दें, मैंने एक जानवी के लिए जानवी को लिया था, दोनों बच्चे पहन सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, एक ये हो गया। और इसके बाद मैंने एक जानवी को ये लिया है, इसका जो स्टिकर था वो मैंने निकाल दिया है, ये देख सकते हो आप लोग, ये भी कॉटन का है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम है। मैंने आप लोगों के कहने पर ही अब की बार जो है मैं जितने भी कपड़े ली हूँ सब कॉटन का लिया है, और नो डिजाइन, सब सिंपल सी है, ये आप लोग देख सकते हो। डिजाइन का मतलब है कि इस पे ना स्टिकर लगा, मतलब स्टोन लगा है, और ना इस पे कोई सितारे का वर्क किया गया है, सब सिंपल सा है और कॉटन का है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और इसके बाद मैंने एक टी शर्ट लिया है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो हमने कहा चलो ये जानवी के लिए ले लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसे ना छोटा पड़ गया, ये देखो इस कलर में मैंने लिया है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा फूल मिल जाएगा, एक ये हो गया। और इसके बाद जो है अभी के लिए मैंने लिया है ये टी शर्ट, लेकिन भैया को बड़ा पड़ेगा, जानवी को ही होगा, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद एक पैंट जानवी के लिए लिया है, ये भी कॉटन पैंट है, ये देखो प्राइस तो बहुत, लेकिन हाँ कपड़ा भी अच्छा है और इसका कलर भी अच्छा है, जैसे पैसे लगे हैं वैसे मुझे कपड़े भी मिल गए हैं। इसकी जो क्वालिटी है गुड क्वालिटी की है, अगर आप बच्चों को पहनाओगे तो ना
उन्हें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप लोग देख सकते हो। कॉटन का जो पैंट होता है अच्छा होता है, जींस वाला कॉटन, तो मैंने ये जानवी के लिए लिया था, और जो पिंक वाला है वो जो है अभय के लिए। तो एक ये हो गया, और इसके बाद मैंने एक टी शर्ट ये है जानवी के लिए लिया था। आप लोग यही बोलोगे कि भाभी जितने भी कपड़े लिए हो सब पिंक पिंक पिंक, तो जानते हो कुछ मैंने पसंद किए, कुछ इनके पापा ने, कुछ देवर जी ने, कुछ हमारी जो जानवी है ना उन्होंने पसंद किया है, तो सब मिलके पसंद किए हैं, तो इसी में ना पिंक ही हो गया। तो एक टी शर्ट ए था और एक लोअर ए है, ए आप लोग देख सकते हो। मिट्टी लगा दी है, लगता है इसे पहन ली थी, तो मैंने इसे छुपा के रखा था ना, मुझे लग रहा है खोज ली। जब मैं कपड़े लेके आई तो वहीं रख दिया था अपने बेड पे, तो उन्होंने कपड़े लेके रूम में टहलना शुरू कर दिया, और जब उनसे मैंने मांगा तो चिल्लाने लगी, बोली कि नहीं मुझे पहनना, तो मैंने कहा ठीक है भैया पहन लो, तो कुछ पहन लिया और कुछ कपड़े बच गए थे, वही हम आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं। और हाँ आप लोग ये भी कह रहे थे दीदी भाभी आप जब दीदी के घर में शॉपिंग किया था तो मैंने शेयर नहीं किया, इसलिए क्योंकि जो है बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हावा करती हैं, दिखावा करती हैं, अच्छा नहीं लगता, तो हमने कहा ठीक है जाने दो, इस बार जो है हम नहीं आप लोग को दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। लेकिन हाँ जब मेरे जो है वीडियो पे भर भर के कमेंट आने लगे कि भाभी आप जरूर शेयर कीजिए, तो हमने कहा चलो अब की बार जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे, इसीलिए मैंने शेयर किया। और हाँ शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक साड़ी हमने मम्मी के लिए लिया है, मार्बल साड़ी है, मार्बल बोलते हैं मार्बल ऐसे कुछ बोलते हैं, इसका जो कपड़ा है गुड क्वालिटी का है, आप लोग देख सकते हो। ये जो साड़ी है चुन्नी टाइप में है, ये देखो इस पे जो है ना धागे से कढ़ाई की गई है, ना सितारे का वर्क किया गया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पतला सा आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा, और पूरी साड़ी जो है चुन्नी की टाइप में है कुछ इस तरीके से, और नीचे आपको कुछ ऐसा डिजाइन मिलेगा। देखो एक साड़ी मैंने ये लिया है, सिंपल सी साड़ी है, मम्मी को पसंद आई थी तो हमने कहा ठीक है मम्मी ले लो, मम्मी को बोले और भी ले लो, मम्मी ने कहा कुछ दिन बाद लेंगे, दीपावली भी आने वाली है ना, तब मम्मी ने कहा कि दीपावली में आएंगे तब जो है साड़ियाँ लेंगे, तो अभी दीपावली तो शुरू होने वाली है, ये सब नवरात्रि के लिए लिए हैं। और एक साड़ी ये है, ये देख सकते हो इस पे जो है ना धागे से कढ़ाई की गई है, ये जो है इसका पल्लू है, हमारे यहाँ जो है गांव में अचरा बोलते हैं। लेकिन आप साड़ी का अचरा भी बोल सकते हो, पल्लू भी बोल सकते हो। तो एक साड़ी ये थी, इस पे जो है धागे से कढ़ाई की गई है, ये देखो इसका ये ब्लाउज है, ब्लाउज पे जो है कुछ इस तरीके से वर्क किया गया, वर्क नहीं डिजाइन है, ये भी सिंपल सी साड़ी है, अच्छी लग रही है, हमें भी अच्छी लग रही है, कलर इसका बहुत प्यारा है यार सच में। तो आप लोगों ने देख लिया ना, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो चलिए हम आप लोग के साथ एक ऐसे अच्छे वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, भाभी आप लोगों से बोलती है बाय, ठीक है बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ।